बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर सेप्टिक मेट्राइटिस और मेट्राइटिस के बारे में बताया था, तो वो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जी एंडोमेट्राइटिस के बारे में, और साथ साथ उसकी जो कंडीशन हैं, क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस, और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि एंडोमेट्राइटिस की कितनी स्टेजेस हैं, और साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह के केसेस दिखाऊं भी इसी वीडियो के अंदर, कि आपको किस तरह पता चलेगा कि इसको एंडोमेट्राइटिस की कौन सी स्टेज है, या क्लिनिकल है या सब क्लिनिकल। तो मैंने वो केसेस भी आपके लिए देखे हुए हैं, और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ साथ उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ आपको उनकी सिम्टम्स और साइंस के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंडोमेट्राइटिस की कौन सी स्टेज है और आप इसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपने स्किप नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो चलें व्यूअर्स, एंडोमेट्राइटिस के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली एंडोमेट्राइटिस किसको बोलते हैं हम व्यूअर्स? मेट्राइटिस हम बेसिकली यूट्रस की सोजिश को बोलते हैं, जिसके अंदर यूट्रस, पूरी यूट्रस शामिल होती है। यूट्रस म्यूकोजा, यूट्रस के मसल, यूट्रस के टोटल पार्ट जितने भी हैं वो सारे उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जबकि एंडोमेट्राइटिस के अंदर यूट्रस की सिर्फ अंदरूनी लेयर, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो उसकी सोजिश अगर हो जाए तो हम उसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कह लेंगे कि यूट्रस की अंदरूनी लेयर की सोजिश को हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। अच्छा, अब इस पर बात करते हैं कि ये हो किस वजह से जाती है। लीवर, ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, जो कि जानवर के अंदर खुद भी पाए जाते हैं और बाज़ोकत बाहर से भी जानवर को लग जाते हैं। उन बैक्टीरिया के नाम है जी स्ट्रेप्टोकोकस लगा लें, या स्ट्रेप्टोकोकाई लगा लें, ठीक है। उसके अलावा स्टेफलोकोकस हो गया, कुराइनी बैक्टीरियम पायोजेंस हो गए, इसके अलावा इकोलाई हो गया, ठीक है। इस तरह के बैक्टीरिया की वजह से यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर है वो बाज़ औक़ात इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि जानवर आपका रिपीटर बन जाता है, जानवर आपका बार बार रिपीट करता है, ठीक है। बार बार वो हीट पर आता है और जानवर प्रेगनेंट नहीं होता। तो चलें, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसकी तीन स्टेजेस हैं, स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों में साइंस सिम्टम्स, यानी कि तीनों की अलामत डिफरेंट हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी किसी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में व्यूअर, सबसे पहले क्या आता है जी, फर्स्ट स्टेज के अंदर इसके अंदर इतनी ख़ास कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जानवर हीट में आता रहता है बाकायदा, यानी कि 21 दिन के साइकिल के साथ जानवर का जानवर है जो वो हीट में आता रहता है। इसमें जानवर की तारें भी साफ होती हैं, जानवर खाता पीता भी रहता है, बिल्कुल ओके नज़र आता है। बज़ाहिर हमें ऐसे लगता है कि जानवर अंदर से क्लियर है, जबकि जानवर अंदर से क्लियर नहीं होता, उसे बिल्कुल माइनर सी अंदर से यूट्रस की एंडोमेट्राइटिस जो हम बोलते हैं, जिसको यूट्रस की अंदरूनी लेयर की सोजिश होती है, जिसकी वजह से वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप ज़्यादा टेक्निकल हैं, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाता है, आप यूट्रस को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पाएँ, या यूट्रस को अच्छे तरीके से अपने हाथ में लेकर उसको टिटोल पाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्रस की फर्स्ट स्टेज है, यानी कि एंडोमेट्राइटिस की फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। इसी तरीके से तो चलिए, इसमें होता क्या है, इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया जानवर रिपीट होता है, बार बार इसमें जानवर रिपीट होगा, जानवर प्रेगनेंट नहीं होगा। तो व्यूअर्स, अगर इसी तरीके से हम बात करें कि एंडोमेट्राइटिस की सेकेंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज के अंदर कुछ अलामत डिफरेंट होंगे। उसके अंदर ये होगा कि जानवर हीट पे आता रहेगा, लेकिन जानवर जिस हीट पे आएगा उस में जो म्यूकस वो गिराएगा, जिस जगह पर वो बैठेगा उसके अंदर आपको पीप नज़र आएगी, वाइट कलर का डिस्चार्ज, साथ साथ आप उसकी म्यूकस में, उसके सिक्रेशन में, उसकी तारों के साथ आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको वाजह तौर पर नज़र आएगा कि उसके अंदर ये वाइट कलर का मवाद है, पीप उसकी म्यूकस में से नज़र आएगी, ठीक है। इसके अंदर कोई, इसके अलावा और कोई ख़ास अलामत नहीं नज़र आएगी, और आप इसको उसके रेक्टम के ज़रिए हाथ डालकर चेक करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी हद तक फील हो जाएगा, उसके हार्नों का थोड़ा सा साइज़ जो है वो बड़ा हुआ आपको फील होगा, आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसके यूट्रस में कोई ना कोई मसला है। इसी तरीके से अगर हम एंडोमेट्राइटिस की सेकंड या थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज के अंदर अलामत कुछ डिफरेंट होंगी, उसके अंदर जानवर हीट पर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अंदर जब आप उसको उसको चेक करेंगे रेक्टम के ज़रिए, जैसे ही आप उसके हार्न पल्पेट करेंगे, उनका साइज़ आपको काफ़ी बड़ा लगेगा, आपको ऐसे फील होगा कि जानवर प्रेग्नेंट है, ठीक है, क्योंकि उनके हार्न का साइज़ इसी हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। तो उस स्टेज में जानवर हीट पे बिल्कुल भी नहीं आएगा हार्न के अंदर, क्योंकि उसके पस भरी हुई होगी और आपको ऐसे लगेगा कि जानवर प्रेगनेंट है, ठीक है। तो तीसरी स्टेज के अंदर ये अलामत होंगी, उसके अंदर बाज़ औक़ात जानवर को टम्परेचर भी हो सकता है, जानवर ऑफ फीड भी हो सकता है,
लेकिन मोस्टली इस तरह के केसेस देखने में नहीं आए। जस्ट आपको ये फील होगा कि जानवर प्रेग्नेंट है या इसकी यूट्रस में कुछ बड़ा सा आपको फील होगा कि उसका साइज बड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर नहीं है चेंजेस आएंगे, तो इनके नुकसान ये होंगे कि जानवर आपका प्रेग्नेंट नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। थर्ड स्टेज में तो जानवर आपका हीट में आएगा ही नहीं, उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो सेकंड और फर्स्ट है उसका भी आपको ट्रीटमेंट तो करना लाजमी पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर यह है कि जानवर हीट पे आता रहेगा। तो व्यूवर्स, अगर क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस पर बात की जाए, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस बेसिकली उसको बोलते हैं जो हमें क्लिनिकली तौर पर यानी कि जाहिरी तौर पर सब कुछ जानवर से नज़र आ रहा हो, यानी कि जानवर को मैं बाकायदा तौर पर देख के जिसको मैं डायग्नोज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें जानवर अगर अंदर से इन्फेक्टेड है और बाहर से म्यूकस इस तरीके का दे रहा है जिससे मुझे पता चल जाए कि ये अंदर से इसके कोई मसला चल रहा है, या उसकी रेक्ट उसकी जो वुल्वा है उसकी वजाइना है वहाँ से पीप आ रही हो, या वो तारें कर रहा हो, तारों के अंदर कोई गंध आ रहा हो, या कोई किसी किस्म का ब्लड आ रहा हो, या जो कि मुझे ज़ाहरी तौर पर जिससे पता चल जाए कि ये इसमें कोई ना कोई मसला चल रहा है। बाकी मैं इसका आपको वीडियो में इसका ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगा, इसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा भी, और साथ साथ इस तरह का जानवर भी आपको दिखाऊंगा। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये वाइट कलर की गाय मौजूद है। ये क्लिनिकल एंडोमेट्राइटस वाला एनिमल है, ठीक है। इसकी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको इजीली आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी यूट्रस से पस निकल रही है और वाइट कलर की पस इसकी यूट्रस से आपको निकलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। क्लिनिकल क्योंकि ये एंडोमेट्राइटस का केस है इसीलिए हम इसको इजीली बाहर से देख कर डायग्नोज कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी कह लें कि ये एंडोमाइट्राइटस की फर्स्ट और सेकंड स्टेज में भी सेम इसी तरीके से जानवर का डिस्चार्ज होता है, और जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं, आप पता चला सकते हैं कि इसके अंदर क्या मसला चल रहा है, ठीक है। ये क्लिनिकल एंडोमाइट्राइटस का भी है, इसको हम एंडोमाइट्राइटस की फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाला जानवर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी यूट्रस के अंदर मेडिसिन रखूँगा, डाउचिंग करूँगा इसकी, इसकी यूट्रस क्लीन हो जाएगी और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो साइकिल है उसका हम मिस करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको इंसेमिनेट करेंगे और ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला था, क्योंकि ये जानवर 8 मरतबा फार्मर ने कहा कि रिपीट हो चुका है, पहले एक डॉक्टर इसको इंसेमिनेट करता रहा है क्योंकि ये 7 से 8 मरतबा रिपीट हो चुकी है। तो बाकी मैंने इसको अंदर से चेक किया, फिर मैंने इसको बैक रैकिंग की, बैक रैकिंग से इसकी यूट्रस से पस निकलती हुई नज़र आई, तो मैंने इसको कन्फर्म किया कि ये क्लिनिकल एंडोमेट्राइटस का केस है, ठीक है। इसकी डाउचिंग यानी इसकी मेडिसिन आप इसकी यूट्रस में कौन सी रख सकते हैं, उसके अंदर आप सिंपल ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सी एल ए भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सेफ्टी ऑफर सोडियम भी बीच में इसके रख सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आप इसको साथ साइक्लोमेट का या डेलमाजीन का इंजेक्शन भी लगाएं, और साथ साथ आप इसके अंदर जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर सब क्लिनिकल की बात की जाए तो सब क्लिनिकल ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये चेक करने के बगैर पता नहीं चलता इसका, क्योंकि ये मुखफी तौर पर अंदरूनी तौर पर चल रहा होता है। फ़र्ज़ करें जानवर हीट में आया है, उसकी तारें भी बिल्कुल साफ हैं, जानवर एक्टिव भी है, जानवर खा पी भी रहा है, हर तरीके से जानवर ओके है, लेकिन जस्ट जानवर आपका रिपीट कर रहा है। आप उसको बीज रखवाते हो, सीमन रखवाते हो या टीका रखवाते हो, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, बार बार वो रिपीट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको जब शक पड़ता है कि यार अंदर से क्लियर है या नहीं, और आप उसकी तारें देखते हो कि तारें भी इसकी साफ़ हैं, बाकी सारा कुछ इसका क्लियर है, जस्ट ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, ये जस्ट इसको चेक करने से पता चलेगा। बाकी इसका भी मैं ट्रीटमेंट और बाकी इसकी जो ज़रूरी बातें हैं, जो इसका ज़रूरी मालूमात है, वो मैं आपको इस तरह का जानवर भी अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, और आपको उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं और कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं, और इस तरह के जानवर को जल्दी जल्दी कैसे प्रेगनेंट कर सकते हैं। बाकी एंडोमेट्राइटस के ट्रीटमेंट के बारे में और उनके स्टेजेस के जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में मैं आपको ट्रीटमेंट डिटेल में वीडियो में ही बताऊंगा, और साथ साथ इस तरह के दोनों तरह के सब क्लिनिकल वाले और क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस वाले जानवर दोनों आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनको जजमेंट कैसे करनी है, इनको डायग्नोज कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप ये गाय देख रहे हैं, इसकी तारें बिल्कुल साफ़ हैं, इसकी सिक्रेशन जो इसका म्यूकस है बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, लेकिन ये बार बार फिर भी रिपीट हो रहा है, जबकि इसको टाइमली इंसेमिनेट किया गया है, हर मरतबा इसको टाइमली और टाइम पे इंसेमिनेशन हुई है, लेकिन ये फिर भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, तो व्यूअर्स, ये हमारे पास सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस वाला केस है। इस यही तकरीबन केस की सिचुएशन हम
एंडोमेट्राइटिस की फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री या फर्स्ट स्टेज और सेकंड में भी देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जानवर बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमें बाज़ औक़ात नज़र आ जाता है कि उसके अंदर से पस नज़र आती है उनकी तारों से, उनके म्यूकस से। लेकिन इसकी जो, क्योंकि म्यूकस भी बिल्कुल क्लियर था, इसकी तारें बिल्कुल साफ थी, शफाफ थी, लेकिन ये फिर भी रिपीट हो रहा था। तो ये एक सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस का केस है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता, या बस जानवर बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही होती है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से, इस तरह के जानवर को हमने डील करना पड़ता है। तो इस तरह के जानवर का ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। जस्ट आपको यही पता होना चाहिए कि जानवर बार बार रिपीट हो रहा है जबकि तारें साफ हैं, लेकिन इसको भी अंदर से हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के बाद पता चलता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस तरह के जानवर का ट्रीटमेंट ये है कि आप उसको किसी तरह की भी कोई भी इंट्रा यूट्राइन ट्यूब रख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसा कि यूट्रस फ्लोर हो गई, मैट्रिक्योर ट्यूब हो गई, ठीक है, या उसके अंदर आप फेट्रोक्सामिन टैबलेट रख सकते हैं, या उसके अलावा आप सिंपल ऑक्सीडेटर साइक्लिन से इसको वाश कर सकते हैं, वो भी आप इसमें 2 से 3 दिन रख सकते हैं। उसके अलावा आप सेफ्टी फोर ग्रुप रख सकते हैं, इसके अलावा आप पेंसिलिन कोई भी रख सकते हैं बीच के अंदर। शर्त यह है कि कोई भी आपने एंटीबायोटिक इस तरह का नहीं रखना जो कि ऑयल बेस हो, क्योंकि वो जज़ब नहीं होगा तो फिर वो जानवर को उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ आप इसमें भी जेंटामाइसिन रख सकते हैं, और साथ साइक्लोमेट वगैरह इसको भी लगा सकते हैं।